हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो यार आज अपने साथ में खड़ी है फॉक्सवैगन की टाइकून, जो कि होने वाली है 1 लीटर, साथ ही में ऑटोमेटिक के साथ में आपको ये देखने को मिलेगी। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, या ब्लैक की आजकल जो डिमांड है ना वो SUVs में बहुत ज़्यादा ही अपर लेवल पर जा रही है। साथ ही में आप जो ये वेरियंट देख रहे हैं, ये है टॉप लाइन 1.0 AT, यानी कि टॉर्क कन्वर्टर के साथ में। तो दोस्तों बात आती है यहाँ पे गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस की। तो गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 17,87,900 रुपीज़। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको गाड़ी के फ्रंट में। फ्रंट में आप देख सकते हैं कि आपको क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं। सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, एक डिटेल रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ गाड़ी के अंदर, जितनी भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में यहाँ पे बात होगी। मेन बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको फॉक्सवैगन का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। क्रोम फिनिश में आपको जो आगे की ग्रिल है वो मिल जाती है। इसके अलावा क्रोम का ही ट्रीटमेंट आपको यहाँ से वहाँ तक जो फॉग लैम्प है उसके ऊपर किया गया है। हेडलाइट की मेन बात कर लेते हैं, तो बायजेनॉन प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे दिया जाता है। हाई लो बीम एंड हाई बीम आपको यहाँ मिल जाती है। DRLs का ऑप्शन ऊपर मिल जाता है, साथ ही में नीचे आपको सिक्वेंशियल टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पे फॉग लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये जो फॉग लैम्प है कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में आपको दिया जाता है, साथ ही में ऑटो हेडलैम्प एंड फॉलो मी होम लैम्प का ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। या नीचे सेटिन सिल्वर फिनिश में आपको स्किट प्लेट देखने को मिल जाती है, जो कि एक SUV वाला आपको फील यहाँ पे मिल जाता है। बात कर लेते हैं हुड की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी यहाँ पे जो एजेस हैं वो आपको हुड के अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं तो जो यहाँ पे वाइपर्स हैं ये भी आपको यहाँ पे नॉर्मल से वाइपर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं गाड़ी की जो लेंथ है वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। साथ ही में यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 179 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, एंड 2650 mm का आपको यहाँ पे व्हील बेस जो है वो ऑफर कर देती है फॉक्सवैगन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टायर प्रोफाइल की, तो ये जो वेरिएंट है ये है टॉप लाइन। तो टॉप लाइन वाले इसमें आपको जो अलॉय व्हील्स वो मिलते हैं ऑफकोर्स, एंड जो ये अलॉय व्हील्स का जो साइज़ है वो है 17 इंचेस। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ टायर प्रोफाइल की, तो 205/55 205/55R 17 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन या टायर साइज़ का डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट बम्पर टू लास्ट बम्पर तक आपको बॉडी क्लैडिंग यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। फॉरवियम भी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकते हैं आप इनको। एंड साथ ही में क्रोम की गार्निशिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। बॉडी हैंडल्स की बात करें तो क्रोम फिनिश विथ रिक्वर्स सेंसिंग आपको ये डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। इधर की तरफ में भी आपको ऐसे मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती है सिल्वर फिनिश के साथ, एंड बाय फंक्शन ही आपको जो रूफ रेल्स है वो मिलने वाली है। ऊपर की तरफ आपको सनरूफ में मिल जाता है। टॉप एंड वेरिएंट में सारी ही चीज़ें आपको जो है वो लोड करके यहाँ पे फॉक्सवैगन दे देता है। टैंक कैपेसिटी की बात करूँ, 50 लीटर पेट्रोल की टैंक कैपेसिटी है। ये गाड़ी 2 वेरिएंट्स के साथ में आती है, 1 लीटर एंड 1.5, दोनों ही यहाँ पे टर्बो इंजन आपको ऑफर कर दे फॉक्सवैगन। इसके अलावा रियर लुक आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो रियर लुक में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे शार्क फिन एंटीना आपको देखिए ऊपर की तरफ मिल जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है स्पॉइलर के साथ में, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। डिफॉगर मिल जाता है आपको, वाइपर मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है। इसके अलावा फॉक्सवैगन का लोगो यहाँ पे विथ कनेक्टेड टेल लैम्प्स। इसके अलावा ये पहली गाड़ी थी मार्केट में ऐसी, इंडियन मार्केट में ऐसी, जो कि एक SUV थी जिसके साथ में आपको पीछे के जो टेल लैम्प्स हैं वो कनेक्टेड यहाँ पे दिए गए थे। इसके अलावा टाइगुन की बैजिंग यहाँ मिल जाती है, TSI का मार्क आपको मिल जाता है। अगर यहाँ पे GT लिखा हुआ है किसी गाड़ी में तो वो 1.5 टर्बोचार्ज इंजन वाली आपको देखने को मिलती है। बात करें कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 3 रिवर्स पार्किंग यहाँ पे सेंसर्स जो हैं वो अवेलेबल कराए गए हैं। क्रोम की आप गार्निशिंग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मर्ज हो जाती है बम्पर के साथ में। सिल्वर सेटन फिनिश में आपको जो स्केटिंग है वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है यार रियर का, मेरे को कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में, तो बूट स्पेस उसमें रिक्वेस्ट सेंसिंग आपको मिल जाती है। एंड बूट स्पेस की बात करूँ तो 385 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड थोड़ी सी फॉक्सवैगन की इसमें एक्सेसरीज वगैरह भी इंस्टॉल करी हुई है, जैसे कि आप ये नेट वगैरह आप देख सकते हैं। एंड जो मेन चीज़ है वो है इसका जो स्पेयर टायर है वो कितने इंचज का है, तो यहाँ पे 200 थोड़ा सा डाउनग्रेड है। यहाँ पे 15 इंचज का जो आपको स्पेयर व्हील है वो आपको देखने को मिलता है, एंड ये स्पेयर व्हील भी स्टील रिम के साथ में आपको फर्स्ट एड किट वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। लास्ट वाली सीट पे भी आऊँगा, एंड उससे पहले मैं बता दूं कि पार्सल ट्रे आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी लास्ट वाली जो रो है उसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड एक चीज़ काफ़ी यूनिक है वो ये है कि इसका जो यहाँ पे हैंडल है
ये थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन का आपको देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंजन की स्पेसिफिकेशन है वो आपको क्या कुछ मिलती है। दोस्तों आप देख रहे हैं फॉक्सवैगन टाइगून 1 लीटर 80 का इंजन बे। तो सबसे पहले ये 1 लीटर इंजन आपको मिलता है जो कि टर्बोचार्ज यहाँ पे होने वाला है। पावर स्पेक्स की बात करें तो 114 BHP के साथ में 178 Nm ऑफ टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस कर देती है ये। एंड साथ ही में जो इसमें ट्रांसमिशन यूज़ हो रहा है वो है 80, यानी कि टॉर्क कन्वर्टर इसमें जो ट्रांसमिशन है वो दिया गया है, जो कि होने वाला है प्रॉपर 6 स्पीड। साथ ही में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपको इसमें मिल जाता है टॉप लाइन के अंदर। बात करूँ माइलेज की, तो माइलेज यहाँ पे जो कंपनी क्लेम करती है वो 18.50 KMPL का यहाँ पे जो कंपनी है वो क्लेम करती है। एंड ये जो गियर बॉक्स है इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलते हैं गाड़ी के फ्रंट सीट में एंड वहाँ देखते हैं कि क्या कुछ आपको मिलता है। उससे पहले आप देख सकते हैं कुछ ऐसी आपको फॉक्सवैगन टाइगून की चाबी यहाँ पे जो मिल जाती है। लॉक अनलॉक का बटन एंड होल्ड करके रखेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फॉक्सवैगन का लोगो पीछे मिल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात की है फ्लिप के साथ में आपको मिलती है, तो आपको वरी नहीं होना पड़ेगा यहाँ पे कि चाबी गाड़ी की कहाँ है। तो सबसे पहले गाड़ी को यहाँ पे कर लेते हैं एक बार ऑन। एंड रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड दोनों। एंड अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ गेट का ट्रिम दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट कलर का यहाँ पे जो ट्रिम है वो देखने को मिलता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सारा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको दिया गया है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, गाड़ी का ग्लास लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और VM को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी सारा आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। स्पीकर्स इसमें मिल जाते हैं आपको, वाइट पार्ट आपको यहाँ मिल जाता है। गाड़ी को लॉक अनलॉक भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब गाड़ी के चलते अंदर। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो वेरियंट है ये है इलेक्ट्रिक सीट के साथ में। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक सीट्स जो है वो मिल जाती हैं। 2024 मॉडल ये अपग्रेडेड है। तो एक बार सीट्स को भी हम पीछे कर लेते हैं यहाँ से। एंड ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड दोनों ही तरफ आपको 6-वे एडजस्टमेंट के साथ में जो सीट्स हैं वो मिल जाती हैं। अंदर चलते हैं गाड़ी के। तो फ्रेंड्स गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ। एंड सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील की। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में मैं गाड़ी का बताऊंगा आपको कि क्या कुछ मिलते हैं। स्टेयरिंग व्हील से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो लेदर स्टिच आपको स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे मिल जाता है विद डी कट ऑप्शन। एंड फॉक्सवैगन का लोगो ऊपर मिल जाता है। इधर की तरफ आपके गाड़ी के जो क्रूज के कंट्रोल हैं वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ से गाड़ी का जो मल्टीमीडिया के जो वॉल्यूम्स हैं आप उसको अप डाउन कर सकते हैं। इधर आपको वॉइस कमांड एंड साथ ही में जितना भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इधर सीट के बटन आपको दो मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एयर बैग यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये जो स्टेयरिंग है जस्ट लाइक अ टॉय स्टेयरिंग आपको मिल जाता है। इधर आपको पेडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाइट एंड रीच की बात कर लेते हैं। तो हाइट भी है इसमें एंड रीच की बात करूँ तो मैं इसमें रीच भी देख सकता हूँ। दोनों ही चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बात करें गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको यहाँ पे 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। एंड इसमें अगर फीचर्स की बात करूँ तो एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डोर हजार वार्निंग एंड बाकी जितने भी ट्रिप्स हैं या जो वार्निंग लाइट्स हैं वो सारी ही आपको यहाँ पे डिजिटल देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी आपको जो एक फील है, रिच फील आपको यहाँ पे लग्जरी वाली ओके प्रोवाइड कराने वाला है। अब इसके अलावा हम बात करें इस पार्ट की, तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स के गाड़ी के कंट्रोल्स जो हैं वो इधर मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट जर्मन कार्स में इधर ही आपको मिलते हैं। हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है। एंड इस तरफ आप अगर मैं बात करूँ तो वाइपर्स के कंट्रोल हैं सारे। इस तरफ आपको इंडिकेटर और साथ ही में जो गाड़ी का पास होता है या डिपर होता है वो आपको इधर मिलता है। अब इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे डैशबोर्ड की, तो ब्लैक पार्ट ही इसमें ऑलमोस्ट यूज करा है। ब्लैक कलर के साथ में ही कॉम्बिनेशन व्हाइट का यहाँ पे जो ऑफ व्हाइट का है वो कलर दिया गया है। अब इसके अलावा हम मेन चीज बात करते हैं यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आपको 10 इंच का देखने को मिल जाता है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। नेविगेशन इसमें चल जाता है। साथ ही में इसमें आपको ब्लूटूथ आप यूज कर सकते हैं, FM रेडियो एंड नेविगेशन वगैरह सारी ही चीजें इसमें आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें एक वैले मोड भी मिल जाता है। तो वैले मोड से क्या होता है कि अगर आपने कहीं गाड़ी आपने किसी मॉल में या किसी पार्किंग में आपने दी है और आप वैले मोड एक बार एक्टिवेट कर देते हैं, इसका वैले मोड डाल के अगर आप उनको गाड़ी देते हैं तो गाड़ी में जो भी एक्टिविटी होती है वो आपको उसके अंदर उसका जो स्टेटस है वो आपको पता लगता रहता है कि गाड़ी कितनी चली है, कौन सा गेट खुला है, कौन सा बूट खुला है या जो भी काम गाड़ी में हुआ है वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं और भी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ मिल जाती हैं। ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी आपको इस तरफ ही मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे दो AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। इधर की तरफ हम बात करें तो वेंटिलेटेड सीट्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। इधर की तरफ आपको हजार्ड लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है।
कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा दो आपको यहाँ पे चार्जिंग के पोर्ट सी टाइप मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक या टॉर्क कन्वर्टर आपको जो ट्रांसमिशन है वो मिलने वाला है, इंजन स्टॉप स्टॉप का बटन आपको इधर मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, इधर आपको ट्विन का फोल्डर्स देखने को मिल जाता है, एंड इधर आपको आपकी गाड़ी की चाबी के लिए जो स्पेस है वो यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये चीज़ें, बाकी हैंड ब्रेक आपको मैनुअल यहाँ दिया जाता है। इसकी बात करूँ अगर मैं आर्मरेस्ट की, तो ये स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आपको मिलता है, एंड इसके अंदर भी आप सामान वगैरह अपना स्टोर कर सकते हैं। इधर की तरफ आते हैं तो ये जो आपको जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ग्लॉसी ग्रे कलर में आपको मिलने वाला है, एंड थोड़ा सा ये पार्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा दिया है, मतलब ऑलमोस्ट जितना मटेरियल इस गाड़ी में यूज़ किया है प्लास्टिक का, वो आपको काफ़ी रिच या लग्जरी फील यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अलावा अगर हम ग्लो बॉक्स की बात करें, तो ग्लो बॉक्स में भी आपको कूल ग्लो बॉक्स के साथ में ये जो अपना फंक्शन है वो आपको मिलने वाला है, एंड इसको बंद करते हैं एंड मेन बात करते हैं IRVM की, तो ये आपको ऑटो डिमिंग के साथ में यहाँ पे देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको जितनी लाइट्स मिलती हैं यहाँ पे, ये सारी LED देखने को मिल जाती हैं, एंड एक चीज़ की कमी यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये होने चाहिए थी, आई थिंक यहाँ पे इनको सनग्लास होल्डर एटलीस्ट देना चाहिए था। काफ़ी कस्टमर का फीडबैक मुझे ऐसा लगता है कि सनग्लास यहाँ पे जो होल्डर है वो होना चाहिए था। इसके अलावा इस तरफ आपको सनशेड मिरर मिल जाता है, एंड इस तरफ आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है, एंड ये जो वेरियंट है इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है छोटा सा, तो यहाँ पे इसका बटन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या साइज़ है सनरूफ का, तो आप देख सकते हैं ये इतना कुछ जो सनरूफ है वो खुल जाता है, एंड जो इसका ब्लाइंड है ये आप इसको मैन्युअली ही जो कंट्रोल है वो कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छी खासी इसमें मिल जाती है। तो इंटीरियर को आगे का पार्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार सीट को मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग या अपने ड्राइविंग पोजिशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, एंड देन फिर हम चलते हैं लास्ट रो में, पीछे वाली सेकेंड रो में, एंड वहाँ देखते हैं क्या स्पेस आपको मिलता है, कैसा कम्फर्ट आपको मिलता है। गेट यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे वाइड यहाँ पे खुलते हैं, एंड गेट की आप चौड़ाई देख सकते हैं। तो अभी सेफ्टी के ऊपर भी बात करेंगे, वो भी पार्ट अभी हमारे पास में अधूरा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्लैक ही डोर ट्रिम आपको मिलता है विद ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन, एंड स्टोरेज स्पेस वगैरह आपको मिल जाता है। तो एक बार गाड़ी के अंदर हम लोग आ जाते हैं, एंड अंदर आने के बाद में यहाँ पे जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ कन्वीनियंस के लिए 2 AC वेंट आपको मिल जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है सी टाइप, एंड अगर मैं बात करूँ सीट की, तो यहाँ पे जो सीट है वो करीब करीब 2 एडल्ट्स के लिए प्रॉपर है, जिसमें कि आपके काफ़ी बड़े एडल्ट्स यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं, और बीच में एक पतला सा इंसान यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है, एंड मेन चीज़ ये है या कोई बच्चा बैठ सकता है। सीट्स की बात करूँ 60-40 स्प्लिट सीट्स आपको यहाँ मिल जाती है, हाइसोफिक्स माउंट मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, एंड साथ ही में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स, साथ ही में तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऊपर की तरफ मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सीट्स की जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, अगर आप लॉन्ग ट्रिप में करते हैं अब यहाँ बैठ के जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी थकान यहाँ पे नहीं होने वाली। ये मैं पीछे वालों के लिए बता रहा हूँ, आगे की सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। अब दोस्तों मेन बात आती है गाड़ी की सेफ्टी में, तो यार हर कोई जानता है फॉक्सवैगन हमेशा से ही ऊपर रही है, टॉप टॉप नॉच रही है सेफ्टी को लेके। तो सेफ्टी की अगर बात आती है तो ABS विद ABD आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल होल्ड जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, एंड साथ ही में इसमें ग्लोबली एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, एंड 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सेफ्टी फीचर्स आपको अच्छे लगेंगे काफ़ी जब बात आती है यहाँ पे सेफ्टी की, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ना आज के टाइम में सेफ्टी में मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी कंपनीज नहीं भी दे रही हैं आज के टाइम में। तो आपके लिए अगर आपके सेफ्टी कंसर्न है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा खुल जाता है, जिसमें आपकी ड्राइविंग काफ़ी आपको अच्छी मिल जाती है, एंड साथ ही में अगर आप लिटरली अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, सिर्फ कार एंथुजियास्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ड्राइविंग एंथुजियास्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आप ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं, ड्राइविंग से पसंद है आपको काफ़ी ज़्यादा करना, एंड अगर आप सेफ्टी का कंसर्न आपको ज़्यादा रहता है, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाली है यहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।